हेलो एवरीबाडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड अलेवन अलेवन ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थाट्स आपके लिए क्या हैं ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है सो लेट स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थाट्स सो so, सबसे पहले हमारे पास है द टेन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स द हैंग्ड मैन एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स वाओ सो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है बहुत अमेजिंग आई फील कि ये इंसान क्लियरली आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं ये शादी वाली रीडिंग है क्लियरली सो so, ये कोई ऐसे इंसान हैं कि जो बड़े वेल्दी हैं आई फील इनमें से कोई डॉक्टर कोई टीचर हो सकता है कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं किसी का अपना बिजनेस हो सकता है आई फील कि बहुत स्टेबल एनर्जी है आ, ये मैं हिंट्स आपको दे रही हूँ तो आके आपको पता चल जाए कि कौन इंसान है जो आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं एंड आई फील कि ये रिसेंटली उनकी उनकी ज़िंदगी में ये मोमेंट आया है कि उन्होंने रिसेंटली अभी ये रियलाइज़ किया है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए मुझे ये ऑफ़र दे देनी चाहिए और वो कोई छोटी सी कोई बात आपसे करेंगे कोई हिंट आपको देंगे कोई छोटा सा गिफ्ट आपको देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि क्या आप उनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे सो आई रियली फ़ील कि इंसान प्लान कर रहे हैं आपके साथ अपना फ़्यूचर आई रियली फ़ील ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं बहुत ज़्यादा लॉयल हैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं आई ऑल्सो फील के मे बी इन्होंने अपनी फैमिली में इससे किसी को बताया है आपके बारे में या किसी से मशवरा कर रहे हैं आपके बारे में उनकी ज़िंदगी में कोई उनके गुरु कोई टीचर कोई है ऐसा जो उन्हें गाइड करता है बहुत ज़्यादा उनसे उन्होंने शेयर किया है आपके बारे में और उन्होंने कहा है कि येस गो फॉर इट उन्होंने मोटिवेट किया है आपके पर्सन को और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यू नो फेंटिसाइज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा हमारा घर हमारे बच्चे यू you नो know, हर चीज़ वो सोच रहे हैं आपके बारे में सो so ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रॉग एनर्जी है आई फील के आ, ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कमिटेड एनर्जी uh, है हस्बैंड वाइफ मटेरियल एनर्जी है सारी सो so ये इंसान ये सोचते हैं कि आप भी एक एक यू नो हस्बैंड वाइफ मटेरियल इंसान है फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि वो आपके साथ हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा आप वो इंसान है कि जिसको वो अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं और प्राउडली कह सकते हैं कि दिस इज़ माय पर्सन यू नो सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त इस तरह की थॉट्स में है आई रियली फ़ील कि आपके पर्सन ने अपना माइंड बना लिया है कि अब उन्होंने शादी करनी है उन्होंने सेटल डाउन होना है मेनली ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं उनका फोकस ये है कि अब मुझे अपनी फैमिली बनानी है राइट सो so, हो सकता है कि ये इंसान पहले कोई क्लू कोई हिंट आपको नहीं दे रहे थे शादी के हवाले से कमिटमेंट के हवाले से बट ये रिसेंटली रियलाइजेशन हुई है विद द हैंग्ड मैन रिसेंटली उन्होंने सोचा है और डिफरेंट अंदाज़ में कुछ सोचा है और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि अब मुझे सेटल डाउन होना चाहिए मे बी कोई उनका कोई छोटा सा मोमेंट uh, दिन में कोई आया ऐसा कि जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब मेरे पार्टनर की ज़रूरत है मुझे अब अकेली अकेले ज़िंदगी नहीं बाकी की बितानी है अब मेरा पार्टनर मेरे साथ होना चाहिए सो मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन अभी रिसेंटली हुई है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं मिनी मिनी स्टेप्स लूँ और अपने पर्सन से बात करूँ यानी आपसे और वो वो कोई ना कोई जेस्टर आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं Uh, जिससे आपको हिंट मिलेगा कि ये इंसान आप आपसे शादी करना चाह रहे हैं आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं कोई छोटा सा हिंट ही आपको देंगे कोई गिफ्ट हो सकता है कि जो बड़ा मीनिंगफुल बड़ा थाटफुल सा गिफ्ट हो uh, वेडिंग रिंग नहीं डायरेक्टली देंगे ऑब्वियसली बट कोई छोटा सा गिफ्ट कोई बड़ा थाटफुल सा यू you नो know, मुझे अब एग्जाम्पल नहीं आ रही है जहन में बट को बहुत थाटफुल सी चीज़ कोई छोटी सी करेंगे आपके लिए जो बड़ी मीनिंगफुल होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान यू नो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के और शादी के बारे में सोच रहे हैं सो आई रियली फील कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटेड एनर्जी है और ये सुपर सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपने हमेशा अपने इंटूविशन से कनेक्ट करके रीडिंग्स देखनी है क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं कल आप बड़ी पॉजिटिव रीडिंग कर रही थी आज आप बड़ी नेगेटिव कर रही हैं सो डिफरेंट एनर्जीज में हम ट्यून इन होते हैं सो so ये आपने डिसाइड करना है कि कौन से मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए हैं यू you नो know? सो so ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ की रीडिंग हर इंसान से मैच करे सो so आज मुझे यही नज़र आ रहा है और यही आपकी एनर्जी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.